Hey friends, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. Get notification. Hello friends, welcome back to my channel. आज हम बनाने जा रहे हैं foil chicken. ये बॉम्बे में बहुत ही मशहूर है, शादियों में अक्सर इसे बनाया जाता है. इसके लिए हमें 200 grams of दही लगेगा. उसमें एक teaspoon हम पेपर पाउडर डालेंगे. ये कश्मीरी लाल मिर्च है एक स्पून, और ये नमक है आपके स्वाद अनुसार, जितना आप भी लगे उतना डाल सकते हैं. एक टीस्पून गरम मसाला. ये विनेगर है 2 टीस्पून. इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिएगा ताकि इसमें कोई लंप ना बचे. जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 बड़ा टेबलस्पून. इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो. ये मैंने चिकन की, ये 1 kg चिकन है, इस पर मैंने स्लिट्स लगा लिया, गहरे कट्स लगाने, ताकि ये जो आपका मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए. ऐसे अच्छे से रब करते हुए आपको सारे चिकन को मसाला कवर कर लेना है. अगर आप सिर्फ लेग पीस है तो लेग पीस का भी बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. ये काजू है 50 grams. इसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है, इसको भिगो दिया था मैंने थोड़ा गर्म पानी के अंदर. ये 4 टमाटोज हैं, इसका भी मुझे एक प्यूरे बना लेना है पीस कर. एकदम फाइन पेस्ट बनाइए. ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 3 बड़े चम्मच कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है मैंने, और ये चिकन मेरी मैरिनेट हो रही थी. हाँ, मैरिनेट करके चिकन को 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, और फिर सारी चिकन को इसके ऊपर अच्छे से बिछा कर, और जो बचा हुआ मसाला है उसको उसके ऊपर फैला देना अच्छी तरीके से, और इसे कवर करके कम से कम 10 मिनट तक के पकाना है. ये अभी हमें इसका सॉस तैयार करना है. ये कढ़ाई के अंदर मैंने 3/4 मतलब कि एक पूरे मक्खन का आधा पैकेट इसमें डाला है मस्के का. उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि वो बर्न ना हो. और ये है मैंने 30 से 25 छोटी छोटी लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर लिया था. उसमें अच्छे से डाल के हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक के इसे फ्राई करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है. और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसी से हमें पूरी चिकन को कलर देना है. ये बहुत ही अच्छा रेड कलर छोड़ती है. जब जैसे ही थोड़ा भून जाए तो आप इसके अंदर जो कैशू का पेस्ट था, जो काजू का पेस्ट था, वो ऐड कर दीजिए, और फिर इसे अच्छे से भून दीजिए. थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर. हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के भूनना है, और सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, जितना आपको चाहिए उतना, और इसे स्लो गैस पे पकने दीजिए. अभी देखते हैं, चलिए हमारा चिकन का क्या हाल है. देखिए चिकन चूँकि इसमें दही वगैरह पड़ा है तो ये बहुत पानी छोड़ता है, तो हमें कोशिश ये करना है कि इसी के अंदर इसका पानी ड्राई कर देना है. फुल फ्लेम में अगर आप इसका पानी रिड्यूस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह नज़र आने लगेगा. लेकिन ज़्यादा ढककर मत पकाइएगा, बार बार उसे ट्विस्ट एंड टर्न दीजिएगा. देखिए ये अभी ऑयल छोड़ चुका है, हमारे सॉस ने भी काफ़ी बटर ऊपर आ चुका है. अभी जो टमाटो का प्यूरे था हमने जो बनाया था वो इस सॉस के अंदर आपको ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी पकाना है ताकि जो टमाटर की रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए. ये मैंने 1 टेबल स्पून सॉस लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देना है. 10 मिनट बाद आप देखिए इसका, इसने तेल ऊज़ आउट होना शुरू हो गया. अब इसे अच्छे से मिक्स करिए. चिकन भी आपके ऑलमोस्ट रेडी है, इसका मसाला इस पर अच्छे से कोट हो चुका है. देखिए कितना अच्छा सा भून चुका है ये. अभी ये सॉस जो आपका पक रहा था इसी के अंदर एक एक करके आपको चिकन को ऐड करना है.
गैस मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा फास्ट मत रखिएगा, क्योंकि अगर सॉस जल जाएगा तो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। और ये जो बचा हुआ जो मसाला था विथ ऑयल, वो आप इससे ऊपर से डाल दीजिए। अभी आपको इसे कोल का धुआं देना, ताकि इसमें हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है इस धुएं को, तो 5 से 10 मिनट ही आप इसके ऊपर कोयले को साइड में गरम करिए, फिर इसके ऊपर हल्का सा घी डालिए, तो इसके अंदर से एक धुआं उठेगा। उसे फ़ौरन कवर कर दीजिए, ताकि जो चिकन है इसके अंदर एक तंदूरी की स्मेल आ जाएगी। अब 10 मिनट बाद आप इसे निकाल के हटा दीजिए। देखिए, हमारे चिकन में काफ़ी तेल छोड़ चुका है। अब इसे हमें थोड़ा सा मिक्स करते हुए भूनना है। ये चिकन हमारी रेडी है। ये फॉइल के अंदर रखना है इसे, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सॉस डाल देना है। और फॉइल को जैसे हम कोई पैकेट को कवर करते हैं, पैकेट बनाते हैं, वैसे पैकेट्स के शेप में इसे पैक कर देना है, इसीलिए इसका नाम फॉइल चिकन है। हम इसमें फॉइल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब आप इसे तंदूरी नान है, या फिर ऐसे ही एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं। ज़्यादातर शादियों में एज अ स्टार्टर ही यूज़ किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। वाह, दिखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। देखिए कितना टेंडर हो चुका है हमारा चिकन, और ये बिल्कुल ही मज़े का होता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा अपने कॉमेंट्स के थ्रू कि आपको मेरा फॉइल चिकन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।